नशा एक ऐसी लत जो एक व्यक्ति से एक समूह और समूह से समाज को कब अपने चपेट में लेता है पता ही नहीं चलता। देश में पहली बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त सहयोग से किए गए राष्ट्रीय व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6 करोड़ से ज्यादा नशाग्रस्त लोगों की पहचान की गई। ऐसे में जरूरत थी कि नशे के इस जाल में फंस रहे नागरिकों को बचाया जाए। ये बीड़ा उठाया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान ने। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और सामाजिक चेतना जगाने वाली गतिविधियों के अलावा 341 से ज्यादा नशा मुक्ति उपचार केंद्र और हर सरकारी अस्पताल में नशा मुक्त केंद्र भी स्थापित किए गए, जहां नशे से ग्रस्त लोगों को मुफ्त इलाज, सलाह और समझाइश देने का काम शुरू किया गया। हो गया लगभग 10-12 साल से हम नशा कर रहे हैं। अब आके जो है सो हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, घर के गार्जियन परेशान है, तो फिर आके सोचे कि अब नशा छोड़ देना चाहिए। तो फिर यहाँ के बारे में जानकारी हुआ तो फिर यहाँ आए अपना नशा छोड़ने के लिए। सेंटर के बारे में देखो जी, गूगल पे सर्च किया था तो वहाँ से पता चला। हमारे को यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है और उसके बाद योगा कराया जाता है, सुबह हमारे को काउंसलिंग होती है, बताया जाता है कि क्या है इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या होगा आगे चल के क्या होगा। यहाँ के यही हेल्प मिलते है कि सब कुछ अच्छा होता है, फैसिलिटी भी अच्छा है, शाम को खेलने के लिए टाइम देते हैं, जैसे अंदर कैराम खेल लो, बाहर हम लोग घूमते हैं पार्क में भी खेलने के लिए, वो होते ऐसे सारे फैसिलिटी है यहाँ पे। अगर बाई चांस ये नहीं होता, मैं यहाँ नहीं आता, तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता, शायद हो सकता है मेरे फोटो पे भी हार चढ़ा हुआ होता। लोग अपने निजी कारणों से नशा लेना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये नशा उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। स्वास्थ्य और सम्मान मिटने लगते हैं, घर परिवार सब बिखर जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा सब चीज, बस बुरा हाल होगा जी हमारे लोगों को। जो तुम दारू पियेंगे खाएंगे कहाँ तुम लोग, खाने के तलाले पड़ जाते सर। जब नशा होता है ना घर में, खाने के एक एक रुपये तो तरस जाते हैं। अब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा, हर चीज़ की दिक्कत होने लगी, पैसे की और समाज में दिक्कत होने लगी, उठा बैठ में होने लगी। कोई ये ना कह दे मेरे बच्चों के शराबी के बच्चे जा रहे हैं, ये भी ज़्यादा फीलिंग आई, इसलिए सब छोड़ने का मन कर लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रिहैबिलिटेशन केंद्रों द्वारा साल 2021-22 में लगभग 3 लाख लोगों को डी एडिक्शन और परामर्श सेवा उपलब्ध कराई गई और उन्हें इस बीमारी से बाहर निकाला गया। हाँ, जैसे सेंटर में करा हमने भर्ती, फायदा तो होया था बहुत, छोड़ने तो खूब आराम पड़ गया था मुझे तो बहुत इसमें। तो मेरे लिए तो देखो दूसरा जीवन है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, सेंटर का भी शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के काउंसलर से सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ से निकलने के बाद एक नया जीवन की शुरुआत करना चाहूँगा। मुझे यहाँ आके ये सीख मिली है कि नशे में आदमी सिर बर्बाद होता है। उन दोस्त के साथ अब रहना ही नहीं है, जिन दोस्तों सब नशा करता है उन दोस्त के साथ अब नहीं रहना है। मैं वचन लेता हूँ कि अब दोबारा से नशा नहीं करूँगा। भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, मत करो। आज अच्छा लग रहा है, कल को बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। फिर किसी ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं शराब के बगैर अब बाकी की जिंदगी खुद ही जीऊंगा। नशे की लत को सिर्फ आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से छोड़ा जा सकता है। नशा मुक्त भारत अभियान पीड़ितों को नशा छोड़ने का यही प्रेरणा दे रहा है। इस अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में बदलाव लाने का एक अनोखा जज्बा पैदा किया है, जिसका एक ही लक्ष्य है, आइए बनाएं नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत।